एक वीडियो तो हम लोग यहाँ पर 2% डाइल्यूट करें मतलब क्या है भाई इसका क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा मैं इससे बाहर हूँ। आप चाहते क्या हो भाई एक्सीलेशन में कितना कमा रहे हो आप महीने का? ए टू मोटिव 12 से 15 लाख रुपए महीने का, का। तो एक्षुण एक्षुण क्या कंटेंट है 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए सर मोटिवेशन एंड फैक्ट वीडियोस मैं बनाता हूं जैसे घुमाइए मत बात सो so गए हाल ही में अरविंद अरोड़ा ए टू मोटिवेशनल चैनल के जो है ऑनर थे वो गए थे शार्क टैंक के अंदर और शार्क टैंक में इनकी बहुत बड़ी पेजी थी हुई ठीक है क्योंकि इनको जो है अपनी स्पीच जो थी पीच जो थी वो इनको सही तरीके से बोलने ही नहीं आई इन्होंने कभी बोल रहे हैं ये वन रुपीज़ में हम एक पूरी कंपनी दे, दे, दे देंगे आपको और ये इनको यूट्यूब चैनल को भी मिक्स कर दिया उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल रहे थे जिन तरीके से हड़बड़ा गए और पूरी पीछे यहाँ पे ख़राब हो गई और शार्क्स जो है इनके ऊपर नाराज़ भी हो गए क्योंकि इन्होंने अपने जो कॉन्कर ऐप है एक स्किल डेवलप ऐप है बट वो हर चीज़ सिखा रहा है अर्निंग भी लर्निंग भी और यहाँ तक अपना यूट्यूब चैनल भी इन्होंने सेल करने के लिए बोला ठीक है काफ़ी चीज़ें जबकि चौदह से पंद्रह लाख रुपये अपने यूट्यूब चैनल से कमा रहे हैं ठीक है फिर भी पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि वन परसेंट डायलूट कर रहे हैं वन परसेंट वन रुपीज़ के लिए फिर बोले दो रुपीज़ के लिए वन परसेंट डायलोट कर रहे हैं तो पता नहीं क्या बोल दिए ये पिच में तो पीयूष बंसल तो ऐसे ही तुरंत आउट हो गए थे तो उसके बाद में अमन ने कहा भाई क्या कर रहा है तू क्या करना चाहता है और क्या बोलना चाहता है सही तरीके से बोलो ठीक है फिर ये बंदा जो है बात को घुमाने लग गया कि इसकी गलती उसको नजर न आए बट अनुपम मित्तल ने बोला आप बात मत घुमाओ जो आपकी वैल्यूएशन आप मांग रहे हो वो बताओ पर कुछ भी कहो यार ये एपिसोड जो है इतना ख़तरनाक था और मज़ा भी आया इसके अंदर ठीक है एंड ये जो है चीज़ होनी थी अगर अशनीर यहाँ पे होता तो क्या होता एक बार कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि देखो अमन भी यहाँ पे भड़क गए थे और जो है पीयूष भी यहाँ पे इनके ऊपर भड़क गए थे बहुत बुरी तरीके से और अनुपम मित्तल भी यहाँ पर इनके ऊपर भड़के थे बहुत भयंकर तरीके से तो जाहिर सी बात है कि अशनीर ग्रोवर भी आज होते हैं शार्टिंग थ्री सीजन टू के अंदर तो ये भी काफ़ी तगड़े तरीके से भड़क जाते और इन्होंने शुरू में आते ही पिच में इतना कुछ फेंक दिया कि हमारी जोदाह का जो, जो निखिल भाई है उन्होंने भी यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रखा है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीों ने इन्वेस्ट कर रखा है ठीक है तो इनका कौन कर ऐप में ये इंग्लिश वगैरह स्किल डेवलपमेंट जॉब असाइनमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ये करवाते हैं और प्रमोशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें इनके ऐप में चलती है जो कि एक ऐप में इतनी सारी चीज़ें अगर आप चलाओगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है वो अप जाएगा इनका मार्केट वैसे ही डाउन है और इसका जो रेवेन्यू जितना भी बन रहा है वो इनके यूट्यूब चैनल से बन रहा है तो ये यूट्यूब चैनल को भी मिक्स करके बेच रहे उसके अंदर तो ये अपने YouTube चैनल को भी मिक्स करके बेच रहे थे उसके अंदर तो इन्होंने सभी ने मना कर दिया उसके बाद में इनसे बोला गया कि यार तुम मतलब कि क्या ही कर रहे हो पता ही नहीं तुम्हें कि क्या कर रहे हो तुम इंग्लिश भी सिखाना चाहते हो तुम हर चीज़ ही सिखाना चाहते हो हर एक फील्ड में तुम घुसना चाहते हो साथ ही अनुपम ने तो ऐसे भी कहा किसी आप बड़े वाले टीचर को आप देख चुके हो और उन्होंने बड़ी कंपनी खड़ी करी थी तो आप भी बड़ी कंपनी खड़ी करना चाहते हो इसलिए आप यहाँ पे जो है आ रहे हो